हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं आईटीआई के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे, उन लोगों का एडमिशन करने का समय आ चुका है। दोस्तों, वो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है। इसके लिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया दोस्तों। और हम टाइप करेंगे इसमें UP ITI। टाइप पर अगर सर्च करेंगे तो जो हमारा पहला वेबसाइट आएगा दोस्तों, scvtup.in, इस पर हम टाइप करेंगे तो फाइनली हमें एक वो पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे तो पेज के ऊपर एक पॉपअप विंडो खुल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये पॉपअप विंडो दिख रहा है। प्रवेश परीक्षा का प्रथम आवंटन परिणाम राजकीय ये दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज का परिणाम बताएगा। और ये जो है निजी जो प्राइवेट सेक्टर से है ITI उसका ये बताएगा। तो उसके लिए दोस्तों, अगर आपको जानना है गवर्नमेंट वाला तो उस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैं इस प्रकार से क्लिक कर दिया हूँ गवर्नमेंट वाले वेबसाइट पे के लिंक पे, तो कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। दोस्तों, अब आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर दे रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। आपको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर अपना, अपने जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको जो फॉर्म मिला होगा तो सबमिट जब कर दिया होगा तो उसके बाद से जो प्रिंट निकला होगा दोस्तों, उसी पर होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको आपको इसमें फिल कर देना है। एक्चुअली मैं फिल करके बताऊँगा दोस्तों, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डेट डाल देना है, और यहाँ पर मंथ, और यहाँ पर ईयर डालने के बाद देखते हैं। आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ITI का जो स्कूल यानी कॉलेज मिलेगा वो इस पर शो कर प्रदर्शित हो जाएगा, और लोगों का उसमें जो ट्रेड आपको मिला रहेगा वो ट्रेड उसमें दिखा देगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको समझ नहीं आए तो कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब अगले वीडियो में दे दूँगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।